नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तिलक ऑटो हब पे। तो आज आपके सामने हीरो कंपनी की कम्यूटर बाइक 2024 की न्यू हीरो पैशन प्लस OBD2 इंजन के साथ टोटल तीन कलर के साथ ये बाइक आती है। दोस्तों अगर आप भी 2024 में पैशन प्लस लेने वाले हो या लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। इस बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, माइलेज कितना का निकाल करके दे देती है, टॉप स्पीड कितने तक जाती है, स्पेसिफिकेशन क्या है और 2024 में इसकी नई डिटेल में ऑन रोड कीमत क्या पड़ने वाली है, ये सारी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके फ्रंट से। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लॉसी ब्लैक कलर फिनिश के साथ यहाँ पे आपको इसका फ्रंट वाला विंडशील्ड का ग्लास दिया गया है, जिसके ऊपर आप देख सकते हो 3D में आपको हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ साइड में आप देख सकते हो ड्यूअल टोन कलर के आपको ग्राफिक्स दिए गए ब्लैक और वाइट कलर के। बल्ब के आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर दिए गए, ये आपको नॉन फ्लेक्सिबल देखने को मिल जाता है और सामने से यहाँ पे आपको मल्टी रिफ्लेक्टर हेलोजन हेडलैम्प सेटअप दिए गए लो बीम और हाई बीम के साथ। साथ में आपको एक छोटा सा पायलट लैम्प भी दिया गया। नंबर प्लेट लगाने की यहाँ पे आप जगह देख सकते हो, फाइबर का यहाँ पे आपको फ्रंट वाला मडगार्ड मिल जाता है ग्लॉसी फिनिश के साथ में। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक वाले सस्पेंशन दिए गए, जिसके दोनों ओर कंपनी ने यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर प्रोवाइड कराया है। टायर की बात करें तो 80/100/18 का यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर दिया गया है। 18 इंचेस का यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का एलॉय मिल जाता है और एलॉय पे यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रे कलर की आपको स्ट्रिप भी देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरह के यहाँ पे आपको उसके टायर के पैटर्न दिए गए यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी अगर इसकी सेफ्टी की बात की जाए तो 130 mm की इसके फ्रंट में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाती है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है जो कि इसके सेफ्टी को काफ़ी इन्हेंस कर देता है। बाकी दोस्तों यहाँ से आप इस बाइक का पूरा राइट साइड का व्यू देख सकते हो। इससे अगर डायमेंशंस की बात की जाए तो 115 kg की आपको कर्व वेट दी गई है। व्हील बेस आपको 1235 mm के मिलते हैं, हाइट आपको 1087 mm का दिया गया और विड्थ आपको 770 mm का मिलता है। सीट कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल सीट के साथ ये बाइक आती है, कुशन आपको ठीक ठाक मिल जाता है, 790 mm का आपको हाइट दिया गया है, सिंगल पीस का ग्रैब हैंडल मिल जाता है। सीट कवर पे यहाँ पे आप देख सकते हो हीरो की आपको स्टिकर वर्क मिल जाती है और 3-tone कलर के आपको ग्राफिक्स दिए गए, ये आपको फुल फाइबर बॉडी का देखने को मिलता है। नीचे साइड में आप देख सकते हो i3S की आपको स्टिकर वर्क दी गई है। फ्यूल टैंक की ओर चले तो यहाँ पे आप देख सकते हो पैशन प्लस की आपको स्टिकर वर्क मिल जाती है, 11 लीटर का कैपेसिटी दिया गया है। ऊपर में आप देख सकते हो E20 की आपको स्टिकर वर्क मिल जाती है, जैसा कि ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला मॉडल है। हीरो के कस्टमर केयर का यहाँ पे आप नंबर देख सकते हो और आगे में आपको फ्यूल टैंक कैप मिलता है सिल्वर कलर के साथ में। स्विचेस की बात करें तो यहाँ पे आप पासिंग की स्विच देख सकते हो, अपर डीपर का आपको स्विच मिल जाता है, नीचे में टर्न इंडिकेटर और यहाँ पे आपको हॉर्न की स्विच दी गई है। वारंट कुछ इस तरह के आपको देखने को मिलते हैं और क्रोम के फिनिश के साथ यहाँ पे आपको इसका हैंडल बार दिया गया है, जिसके सेंटर में यहाँ पे आप देख सकते हो हीरो की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। दूसरी ओर यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर का आपको इंजन कील का स्विच मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों की का सेटअप यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको मिलता है, जिसपे आपको हीरो की ब्रांडिंग दी गई है। तो अब मैं इसे लगा देता हूँ और बात करते हैं इसके कंसोल के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेमी डिजिटल टाइप का आपको मीटर कंसोल दिया गया है, स्पीडोमीटर देख सकते हो, गियर न्यूट्रल की आपको वार्निंग मिल जाती है, मेन हेडलाइट की वार्निंग देख सकते हो, टर्न इंडिकेटर की आपको वार्निंग मिल जाती है। दूसरी ओर यहाँ पे आप देख सकते हो चेक इंजन की आपको लाइट दी गई है, i3S का लाइट मिल जाता है। नीचे में एक बटन दिया गया है जिससे कि आप कंसोल को सेट रीसेट कर सकते हो और डिजिटली यहाँ पे आपको शो हो जाता है। फ्यूल गज देख सकते हो, ओडोमीटर दिया गया है, ट्रिप मीटर देख सकते हो, ऊपर में आपको साइड स्टैंड की वार्निंग भी मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। इंजन की ओर चले तो यहाँ पे आप देख सकते हो टूल बॉक्स पर आपको पावर स्टार्ट प्रोग्रामिंग FI की बैजिंग दी गई है, किक लीवर देख सकते हो, राइडर का यहाँ पे आपको एडजस्टेबल फुटेस्ट दिया गया है, एग्जॉस्ट के ऊपर यहाँ पे आपको मेटल के मफलर गार्ड दिया गया है क्रोम के फिनिश के साथ में। और दोस्तों इसके रियर में आपको मिलता है 5-step एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन। 80/100/18 के रियर में भी आपको ट्यूबलेस टायर दिया गया है, 130 mm की आपको रियर में भी ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाती है, 18 inches का एलॉय मिलता है। टायर की ग्रिप को यहाँ पे आप देख सकते हो। आगे की ओर यहाँ पे आप देख सकते हो राइडर का आपको एडजस्टेबल फुटेस्ट मिलता है, ब्रेक पैड देख सकते हो, कैटलिटिक कन्वर्टर आपको दिया गया है, इंजन पे आपको हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो स्पार्क प्लग आपको मिल जाता है, ऑक्सीजन सेंसर मिल जाता है। आगे की ओर यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल पीस हॉर्न के साथ ये बाइक आती है, 168 mm के आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिए गए। इंजन और पावर की बात करें
तो इस बाइक में आपको मिलता है 97.2 cc का एयर कूल 4 स्ट्रोक OBD2 FI इंजन। ये इंजन मैक्सिमम पावर जनरेट करता 8.02 PS का 8000 RPM पे और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता 8.05 Nm का 6000 RPM पे। पीछे की ओर चले तो यहाँ से आप इस बाइक का पूरा रेयर प्रोफाइल देख सकते हो। स्ट्रक्चर में कंपनी ने कुछ खास बदलाव नहीं किया है। टेल लाइट के ऊपर यहाँ पे आपको हीरो की स्टिकर वर्क मिल जाती है। बल्ब के यहाँ पे आपको टेल लाइट दिए गए। बल्ब वाले यहाँ पे आपको नॉन फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। रिफ्लेक्टर देख सकते हो। नंबर प्लेट लगाने की यहाँ पे आप जगह देख सकते हो। और यहाँ पे आप रेयर वाला मडगार्ड की बिल्ड क्वालिटी को भी चेकआउट कर सकते हो, जो कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल दिया गया है। दूसरी ओर सीट काउल पे इस साइड से भी यहाँ पे आपको हीरो की स्टिकर वर्क दी गई है। लेडी पिलन सेफ्टी के लिए यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड दिया गया है। फुल चैन सेट कवरिंग के साथ ये बाइक आती है। पिलियन का एडजस्टेबल फुटरेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। 4 स्पीड का गियर बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। राइडर का यहाँ पे आप एडजस्टेबल फुटरेस्ट देख सकते हो। साइड स्टैंड कटअप जैसे आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप इसका सेंटर स्टैंड भी देख सकते हो। बाकी दोस्तों अगर इसकी माइलेज की बात की जाए तो आपको 65 से 70 KMPL के आसपास का ये माइलेज निकाल करके दे देती है। टॉप स्पीड आपको 95 to 100 km/h के आसपास का मिल जाता है। तो चलिए अब मैं आपको इसके एग्जॉस्ट और इसके मेन हेडलाइट की रोशनी को आपको चेकआउट करा देता हूँ। आगे की ओर चलें तो यहाँ साथ इसकी मेन हेडलाइट की रोशनी को देख सकते हो, लो बीम और हाई बीम के साथ में। इसकी नाइट की विजिबिलिटी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। आपको रात में गाड़ी चलाने में कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होने वाला है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट अब चलते हैं इसके पीछे की ओर। तो यहाँ से आप इसकी टेल लाइट की भी रोशनी को चेकआउट कर सकते हो, कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है। तो चलिए अब करते हैं इसके इंजन को ऑफ और बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो अभी जो इसकी एक शोरूम कीमत निकल के आ रही वो है 79,531 रुपीज और ऑन रोड कीमत पड़ने वाली है 95,675 रुपीज। ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको दी है नॉर्थ विहार एग्रो एजेंसी छाता चौक मुजफ्फरपुर स्थित शोरूम में। यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, हीरो की किसी बाइक या स्कूटी का टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। अगर आप भी अपने सिटी के ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सिटी का नाम लिख करके भेज सकते हो। थैंक यू दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आई हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और तिलक ऑटो हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।